नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक जो है कि बहुत बड़ी जो है कि घोषणाएँ की गई है। ये बहुत बड़ी जो है कि घोषणाएँ किया की गई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है कि विदेश भेजा जाएगा। ये विदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को क्यों भेजा जाएगा? इसलिए भेजा जाएगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को जो है कि वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, अच्छे प्रशिक्षण देकर जो है कि काम पर जो है कि बुलाया जाएगा और आंगनबाड़ी बहनें जो है कि अच्छे से आंगनबाड़ी केंद्रों का जो है कि संचालन करेंगी, जिसके लिए जो है कि ये प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने की जो है कि बात कही जा रही है मुख्यमंत्री जी के तरफ से। ये वीडियो क्लिप देखिए जो है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है कि क्या कहा जा रहा है। आंगनबाड़ी में अक्सर गरीब लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, जो पैसे वाले हैं, अमीर लोग हैं वो बड़े बड़े इनके क्रेश होते हैं, उधर अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम्स के लिए भेजते हैं। हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच का भी जो डिफरेंस है इसको खत्म करना चाहिए। जो गरीबों के बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं उन्हें भी उसी किस्म का अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम और उसी किस्म का वातावरण हम दे पाए जो बेस्ट से बेस्ट क्रेश में, प्राइवेट क्रेशेज में मिलता है दिल्ली के अंदर। तो जैसे अभी कहा गया कि कई बार जन्म देने वाली मां अलग होती है और उसे पालने वाली मां अलग होती है, सो आप लोगों का भी एक तरह से एक मां का रोल है। एक बच्चा जब 3 साल का बच्चा आंगनवाड़ी में आता है तो घर में उसको पालने वाली मां अलग होती है, लेकिन वो कई घंटे आप लोगों के साथ बिताता है। और जिस बैकग्राउंड से लोग आते हैं, बहुत गरीब बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उनके घर में गरीबी की वजह से बहुत टेंशन होती है, झगड़े होते हैं, माँ बाप के झगड़े हैं, भाई बहन के झगड़े हैं, पड़ोसियों के झगड़े हैं, उसकी वजह से वो बच्चा भी बहुत टेंशन में रहता है। लेकिन जब वो आंगनवाड़ी में आता है, अगर आंगनवाड़ी में उसे बहुत अच्छा माहौल मिलने लग जाए तो मैं समझता हूँ कि उसका बचपन जो है वो और अच्छा बना सकते हैं हम लोग। अभी जैसे कहा गया, पूरी जिंदगी में एक बच्चा, एक इंसान जितना सीखता है पैदा होने से लेके 100 साल तक की अगर उसकी जिंदगी है, उसमें जितना सीखता है उसका 85% वो पहले 6 साल में सीखता है और बाकी पूरी 94 ईयर्स में, 94 साल में वो केवल 15% सीखता है। 85% वो पहले 6 साल में सीखता है, बोलना सीखता है, पहचानना सीखता है, तरह तरह की चीजें सीखता है। तो एक तरह से एक बच्चा कैसा बनेगा उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मॉरल वैल्यूज हैं, इमोशनल साइकोलॉजिकल वैल्यूज हैं, बहुत सारी चीजें आप लोग उस बच्चे को सिखा सकते हैं। अभी तक आंगनवाड़ी को केवल कि बच्चे आएंगे उनको मिड डे मील देना है, खिलाने का और पोषण का सेंटर माना गया। हम इस धारणा को बदलना चाहते हैं, ये केवल खिलाने का और पोषण का सेंटर नहीं है, ये अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग का भी सेंटर होना चाहिए, जहां पे बच्चे को खेल के माध्यम से तरह तरह की चीजें सिखाई जाएं और ज्यादा वैल्यू सिस्टम और उसकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा किया जाए। मैं समझता हूं कि इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर की क्लास, कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है उसके फाइनल ईयर को जो प्रोफेसर पढ़ाता है उसका काम ज्यादा आसान है, और आपका काम जो आप 3 साल के बच्चे को उसको पढ़ाते हो, आपका काम ज्यादा मुश्किल है। इंजीनियरिंग वालों को पढ़ाना तो बड़ा आसान है, किताब पढ़ ली और जाके वहां पे ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया और उगल दिया वहां पे। लेकिन एक बच्चे के साथ आत्मीयता के साथ उस बच्चे की परवरिश करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो यहाँ पे जो है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विदेश भेजने की जो बात कही जा रही है, ये समय जो है कि निर्धारित नहीं किया गया है कि कब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है कि विदेश भेजा जाएगा, और ये भी नहीं बताया गया है इसमें कि कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है कि विदेश भेजा जाएगा और जो है कि प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसा कि हम आपको बता दें कि यहाँ पे ये भी जो है कि क्लियर नहीं किया गया है कि कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है कि सेलेक्टेड आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही विदेश भेजा जाएगा या पूरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विदेश भेजकर जो है कि प्रशिक्षण दिया जाएगा।
तो ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है कि अपने घोषणा में देखी हैं, सुनी हैं आप, कि जो है कि विदेश भेजने की बात कही जा रही है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की बात कही जा रही है, जिससे स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र जो है कि बनाया जा सके और स्मार्ट तरीके से जो है कि पढ़ाया जा सके, जिसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विदेश भेजने की यहाँ पर बात कही जा रही है मुख्यमंत्री जी के तरफ से। ये आप जो है कि पूरी लिस्ट देखी हैं और जो है कि हम आपको बता दें कि ये अभी जो है कि क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो है कि विदेश जाएंगी प्रशिक्षण के लिए। ये तो बाद में ही जो है कि क्लियर हो पाएगा कि कितनी